सवाल नंबर एक, अब सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, अगर एक शायर भी जिसकी शायरी और जिसकी धमक रही है वो अगर ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ दूंगा शहर नहीं राज्य अगर योगी जीत जाते हैं, तो क्या कहता है आपके बारे में? और जो आपका रिश्ता है वारिस पठान साहब से वो भी समझा दीजिएगा, अब तो वो भी इस पर टिप्पणी कर रहे हैं। देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात आपको ध्यान होगा कि जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे तो 2014 के पहले एक कर्नाटक के बड़े साहित्यकार ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मैं भारत छोड़ दूंगा, तो भारत छोड़ दूंगा, उत्तर प्रदेश छोड़ दूंगा, इस तरह की बातें जो वामी कामी साहित्यकार है वो लगातार करते रहे। कम्युनिस्ट कौमी से मतलब जो है कम्युनिस्ट है। तो ऐसी स्थिति में जो है अब, और जिन मुनव्वर रमणा जी की बात हो रही है, मुनव्वर रमणा जी ने सोनिया जी की शान में बहुत सारे शेर लिखे थे, तो वो उस समय सोनियावादी हुआ करते थे, आजकल उनकी उनका परिवार समाजवादी हुआ पड़ा है, तो उनके अपने राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं और राजनीतिक उनको लगातार समर्थन प्राप्त समर्थन और संरक्षण प्राप्त होता रहा है। तो ऐसे राजनीतिक समर्थन संरक्षण प्राप्त करने लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने पुरस्कार भी असहिष्णुता का हंगामा करके लौटाए थे 2015 में, आपको ध्यान ही होगा। तो वो उनका अपना अधिकार है, वो कर सकते हैं, उनकी इच्छा है, वो कहाँ रहना चाहते हैं, वो बंगाल में जाकर रहना चाहते हैं जहां पे बंगाल का हाईकोर्ट बाकायदा संज्ञान लेके बताता है और NHRC की रिपोर्ट है कि वहां पर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिजनों पर बलात्कार, उनकी हत्या, उनके घरों को फूंक देने का अपराध हुआ। इस सवाल को एक लेवल और ले जाइए। एक सेकंड शुक्ला जी, उस राज्य में मुनव्वर राणा को अधिक आनंद प्राप्त हर किसी को इंटॉलरेंस ज्ञान का हिस्सा बताकर एक सेकंड कितना बच पाएंगे? मेरा सवाल आपसे ये है कि उनका ये आरोप है कि उनको, मैं तो गैंग नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं धन्यवाद, उनका उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं, उन्होंने तो अपनी जान तक को खतरा बता दिया, आपने सुना ही होगा पूरी बातचीत में, वो पिछली बार भी कह रहे थे, उनका कहना है कि आखिर रात के अंधेरे में क्यों उनके घर पे उनके जब बेटे के साथ कुछ हुआ तो पुलिस पहुंची, जो कि दिन में किया जा सकता था। क्या जो लोग आपकी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको आप टारगेट करते हैं? वॉइस ऑफ डिसेंट यानी मतभेद की आवाजों को कुचलती आपकी सरकार? प्रश्न बड़ा है मिस्टर शुक्ला। अंजना जी बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है कि तफसील में इसका उत्तर सुनेंगी आप। उनके ऊपर रेड क्यों हुई? क्योंकि उनके भाई ने ही उनके बेटे द्वारा फर्जी गोली चलवाकर हत्या के प्रयास के आरोप में फंसाने का प्रयास किया था, ये तो सबके सामने है। और आप कृपा करके बता दीजिए किस अपराधी के परिजन ने अपने जो है अभियुक्त को अभियुक्त माना है? दाऊद इब्राहिम की माँ का मैंने 1994 में इंटरव्यू किया था पत्रकार के नाते, तो उसने कहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है, उसका बमकांड से कोई लेन देन नहीं है। मेमन परिवार कहता रहा मेरा बेटा बहुत शरीफ है, अपराधी हो ही नहीं सकता है। अफजल कुरु के लिए तो एक बड़ी जमात खड़ी हो गई, कह दिया कि अपराध नहीं है, वरना आप ही की पार्टी के समर्थक आपको देशद्रोही कहने लगते हैं। नहीं आप नहीं अपराध करने के कारण नहीं, मैं तो पत्रकारिता के नाते मैंने किया था, और पत्रकारिता में जो आपको पता है वीरप्पन का भी इंटरव्यू किया गया, आपको पता है अलकायदा के चीफ का तारिक मीर ने जो है इंटरव्यू किया था उस्मा बिन लादेन का, और जो है आपको ध्यान ही होगा हाफिज सईद का इंटरव्यू जब करके एक पत्रकार भारत आए तो कांग्रेस उसको देशद्रोही कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही थी, ये भी आप जानती हैं। तो मैंने उस समय इंटरव्यू किया था ना 1994 में, और दोपहर का सामना में प्रकाशित भी हुआ था। तो किसी भी अपराधी का परिजन अपने परिजन को अपराधी नहीं कहता है, बल्कि छिपाने का प्रयास करता है। तो मनोहर राणा को भी ये करने का अधिकार है। क्या बोल रहे हैं वारिस पठान साहब, फिर मैं रागी जी फौरन आ रही हूं आपके पास, जल्दी से। मैं ये बोलना चाह रहा हूं शुक्ला जी, दानिश सिद्दीकी नाम के पत्रकार का भी आपने सुना होगा, फोटोग्राफर था, प्रोफेसर, उसको अवार्ड मिला गया था इंटरनेशनल, वो जब गया था कंधार के अंदर तो उसका मार दिया गया है, तालिबान तक ने शोक जमा दिया कि नहीं भाई गलत हो गया, यूनाइटेड नेशन ने बोल दिया गलत हो गया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक की उंगली पे क्रिकेटर की चोट लग गई थी तो ट्वीट कर दिया था, मगर दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई, मर्डर हो गया, जो भी हो गया वो सही हुआ है, उसके बारे में क्यों नहीं कहा मोदी जी ने कुछ भी? दो लाइन नहीं लिख सकते? तालिबान गया तेल लेने, वारिस पठान तालिबान को क्लीन चिट दे रहे क्या? दिया यूनाइटेड नेशन ने खंडन कर दिया, मोदी जी क्लीन चिट क्यों दे रहे? तेल लेने क्यों जा रहा? अपराधी है वो, हमारे देश तालिबान अपराधी हत्यारा कहिए,
कहिए तालिबान आतंकवादी है, अपराधी है, हत्यारा है, जिसने तालिबान की निंदा करने से क्यों भाग रहे हैं? जिसने फोटो के जरिए दिखाया था, तालिबान की निंदा करने से आपको डर क्या लगता है? जलाया जा रहा है, तालिबान की निंदा करने से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से जाने जा रही है। यूनाइटेड नेशंस में पत्रकार की हत्या की निंदा की गई है। चलिए बहस को आगे ले चलते हैं। संगीत रागी, संगीत रागी, क्यों मोदी खामोश थे? एक ट्वीट नहीं कर सकते शुक्ला जी? शायर कह रहे हैं कि अब यूपी में रहना मुश्किल हो गया है। वजह तो है ना, वो कह रहे हैं कि ऐसी आवाजें, और वो तो सीधा समुदाय, वो कह रहे हैं मुस्लिम्स को यहाँ पर जीने का अब अधिकार नहीं रह गया है। देखिए वो ठीक बोल रहे हैं, बहुत क्योंकि पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ा इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो गया है, तो ऐसी जगह पर रखना वराना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण प्रयास समझते हैं। देखिए वो उनके बयान से एक बहुत बात साफ है, मुसलमानों के लिए आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए एक प्रकार का मुनव्वर राणा का संदेश है कि मुसलमान एकजुट होकर के, एक गोलबंद होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। दूसरी बात उन्होंने बहुत साफ कही, सुने सुन लीजिए आप सुन लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ओवैसी के आने से मुसलमानों का वोट जो होता है वो बढ़ता है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय कहा था, यदि यदि हिंदू के सारे महान मंदिर के पुजारी साहित्यकार कल जाकर के सड़कों पर आकर के खड़े होकर के कहें कि हिंदुओं को अपनी अस्मिता बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में गोलबंद होना चाहिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश ही था जो भारत विभाजन का सूत्रधार था, यहीं से पढ़े लिखे मुसलमानों ने ही भारत विभाजन की नींव खड़ी की थी। या आज के दिन में मुनव्वर राणा जैसे व्यक्ति जो फ्रांस में मोहम्मद साहब के कार्टून पर एक व्यक्ति की हत्या करने को जायज ठहरा सकता है, वो समझ सकते हैं कि ये आदमी कितना जहरीला अंदर से है।